हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम लोग अभी हम लोगों का जो होटल था, रिसॉर्ट था, वो हम लोग छोड़ के अभी यहाँ पे हम लोग सामान बांध रहे हैं लाचेन के लिए। अभी हम लोग लाचेन के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ से गुरुडुम्बार के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोगों का पैकिंग चल रहा है सबका, तो मिलते हैं रोड पे। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, ये हम लोगों के जाते वक्त का सीन है, और भी बहुत सारा सीन है। ये रास्ते से अभी हम लोग जा रहे हैं लाचेन के लिए। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा हम लोगों को और आपको भी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और इतना बढ़िया जगह आज मैं एक्सप्लोर तो बहुत कोई कर चुका है पहले ही, लेकिन मैं एक्सप्लोर नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बाइक लेके फर्स्ट टाइम। और पहले मैं जब आया था तो मैं लेके आया था, ये गाड़ी में आया था, ये सुमो सब देख रहे हो आप लोग, ये सुमो में आया था मैं। लेकिन इस बार मैं अपने बाइक पे जा रहा हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। तो बने रहिए साथ में और इन्जॉय लीजिए वीडियो का। ये है लास्ट पेट्रोल पंप हम लोगों का, उसके बाद फिर पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, यहीं से फिल कर लेंगे। और टैंकर भी है हम लोगों के साथ, टैंकर भी फुल कर लेंगे, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों आप लोग उस तरफ देख सकते हो कैसा कोहरा ही कोहरा है, हम लोग वो सब क्रॉस करके जाने वाले हैं, इससे भी ऊपर जाने वाले हैं दोस्तों, बादलों को चीरते हुए, सड़कों का मजा लेते हुए। ये देखो कैसे, ये हम लोग यहाँ पे रास्ता भटक गए थे, हम लोग दूसरे रास्ते से आ गए। फिर वो सर से पूछा, वो सर हम लोगों का मदद किया और फिर से सही रास्ता बताया। लेकिन किसी से पूछा था, किसी ने गलत रास्ता बताया था हम लोगों को, उसके कारण हम लोग यहाँ पे आए थे। ये भी रास्ता गलत नहीं है एक्चुअली, अगर छांगू नाथुला जाना है आप लोगों को तो उस तरफ का रास्ता वो है, नॉर्थ सिक्किम का रास्ता अलग है जहाँ से अभी हम लोग जाएंगे, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिए। हम लोग जो रास्ता भटके थे उसके बाद वहाँ से रास्ता दिखाया था किसी एक पुलिस ऑफिसर ने, फिर रास्ता हम लोगों को नहीं मिल रहा था। तो ये सर से हम लोग पूछा, ये सामने जो सर दिख रहा है आपको, ये सर से पूछा, फिर इन्होंने बताया कि हमारे पीछे पीछे आओ, हम लेके चलता है। और अभी ये सर के पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पर फिर हम लोग सही जगह पहुँचेंगे अभी। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ का पुलिस ऑफिसर लोग बहुत ही हेल्पफुल है। अगर कहीं भी आप कभी भी गैंगटॉक में आओ, कोई भी जानकारी चाहिए आप लोगों को, तो पुलिस वाले से ही पूछना, किसी और से नहीं पूछना। तो जो आप लोग देखे अभी अभी टर्निंग, ये टर्निंग है एक्चुअली लाचेन जाने का। तो हम लोग 4 किलोमीटर आगे चले गए थे, 4 किलोमीटर, तो वहाँ से फिर वापस आए, फिर ये रास्ता पकड़ा, अभी लाचेन के रास्ते में हम लोग है। सही सही बिल्कुल। और ये इधर का रास्ता कुछ अलग है, वहाँ का रास्ता कुछ अलग था, यहाँ का थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप का रास्ता मिलेगा बहुत ज़्यादा हम लोगों को। अभी तक 110 किलोमीटर हम लोगों को चलना है, और अभी बज रहा है दोपहर का 12:40, तो शायद पहुँचते पहुँचते हम लोगों का हो जाएगा आज रात का 8, शायद बच जाएगा या 7 बज जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितना टाइम के जा सकते हैं हम लोग, तो डिपेंड करता है चलाने में। लेकिन यहाँ का रास्ता ही कुछ अलग है, देख सकते हो आप लोग। ये सब रास्ता का लेवल देखिए दोस्तों, ये सब रास्ता का कुछ लेवल ही अलग है। और ये जो टर्निंग सब आ रहा है, मतलब लेवल का है ये। ये 104 किलोमीटर अगर ऐसे ही रास्ता रहा तो कल सुबह हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। नॉर्थ सिक्किम का ये ही सबसे खूबसूरत चीज है रास्ते का, जाते वक्त आपको ये सब जो ब्रिज मिलेगा ना, एक एक अनोखा अनोखा, उसी का मजा आएगा आप लोगों को।
और भी बहुत सारा व्यू है जो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि मेरा जो GoPro है वो खराब हो चुका है और मैं मोबाइल में कर रहा हूँ। मेरा पीछे जो पिलियन बैठा हुआ है उसका नाम है विकी शेर, वो कर रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों आप लोग खूबसूरती जो है नॉर्थ सिक्किम का, और जिसके लिए मैं एक्साइटेड था बहुत ही ज़्यादा, वो तो अभी आने वाला है। लेकिन रास्ते के लिए जो चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड था वो चीज़ आपको अभी देखने वाला है। यहाँ पे यहाँ से एक एक गाड़ी पास होता है। ब्रिज बहुत ही पुराना है, वहाँ पे लिखा हुआ है वीक ब्रिज, स्पीड लिमिट 10, तो हम लोग भी इसके बाद में ही जाते हैं। तो मज़ा बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। भालो मतन ने भी के साथ बोला ब्रिज पूरा भाप रहा है दोस्तों, ब्रिज बहुत ही कमजोर था, काट का ब्रिज था, काट और लोहा का मिश्रण था, तो मजा ही मजा। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। तो कैसा लगा वाटर क्रॉसिंग आप लोगों को? लगभग लगभग ये एक टाइप का मिनी लद्दाख है, ये छोटा लद्दाख। दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। प्लास्टिक यूज़ नहीं है वहाँ पे, इसलिए प्लास्टिक का जो चीज़ है हम लोग यहाँ पे ही छोड़ के जाएंगे एक जगह अच्छे से। परमिट खो गया था और लगेज भी खो गया था साथ में, तो जो दो बंदा हम लोगों का ग्रुप का लाने गया था उन लोगों को भी लगभग सांप काट ही लिया था लेकिन बच गया। तो आज हम लोगों का लक बहुत साथ दे रहा है, सर फूटा मेरा, उसको सांप काटने वाला था, एक का उल्टी हो गया। तो जो भी हुआ आप लोग ये नहीं सोचना कि घूमने जाने से ये सब होता है, ये सब कुछ भी नहीं, ये सब भी हम लोगों का गलती है, तो बस आप लोग गलती मत कीजिएगा तो सब ठीक है और सब ठीक ही रहता है, लक हो जाता है, कोई बात नहीं। तो हेलो गाइज, अभी सुबह का 10:30 बज रहा है और हम गाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था जो आप लोगों से नहीं, मतलब आप लोगों से शेयर नहीं किया और कोई शायद किया भी नहीं होगा पहले आप लोगों से ये बात शेयर, तो मैं अभी करने वाला हूँ। जो अगर आप लोगों को टाइम सेव करना है आप लोगों को नॉर्थ सिक्किम आने के लिए, तो आप लोग गैंगटॉक मतलब गैंगटॉक में नहीं घुस के भी आप लोग सीधा नॉर्थ सिक्किम पे आ सकते हो और यहीं से परमिट वगैरह सब बन जाएगा। तो आप लोग नागा पे रुक सकते हो, जहाँ पे हम लोग रुका था ये भैया परमिट सब कुछ बना देगा, तो कोई चिंता नहीं है। आप लोगों को रास्ता भी मैं दिखा दूंगा, वहाँ पे जीरो है, जीरो से होके सिंगताम होके सीधा आप नॉर्थ पे आ सकते हो और यहाँ से सिर्फ लाचेन हो लाचुंग हो थोड़ा ही दूरी पे, 2 घंटा 1 घंटा के दूरी पे ही आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों का बहुत टाइम सेव होगा।
तो आप लोग अगर आना है गैंगटॉक, मतलब नॉर्थ सिक्किम आना है, तो गैंगटॉक नहीं होके भी आप लोग यहाँ आ सकते हो, आप लोगों का बहुत टाइम सेव होगा। तो ये नॉलेज आप लोगों को दे दिया, ये नॉलेज बहुत किसी को नहीं है, तो मिल गया आप लोगों को। প্লাস্টিক ধরো লাগবে আমার तो गाइस फाइनली हम लोग निकले हैं लाचेन से गुरुडुम्बा के लिए, और हम लोग रुके थे कल रात को 9 बजे तक लाचेन में आए थे, वहां पे रुके थे। आज फाइनली हम लोग गुरुडुम्बा के लिए जा रहे हैं। सुना है गुरुडुम्बा लेक खुला है अभी, इसीलिए देखते हैं मिलता है खुला या बंद, फिर बोलते हैं डिटेल्स आप लोगों को देते हैं। तो दोस्तों गुरुडुम्बा के रास्ते में हम लोग फर्स्ट टाइम बाइक लेके, मजा आ चुका है हम लोगों को फाइनली, इतना मजा आ रहा है अभी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। लेकिन मेरा जो ड्राइवर है वो एकदम, मतलब क्या ही बताएं उस ड्राइवर के बारे में, चूतिया समझते हो, उससे भी बड़ा चीज है वो। देखो ऊपर क्या है, दूर है, तो इससे बड़ा खुशी मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकता। और ये रास्ते में मेरा बाइक चलाना, मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात है, बहुत ही बड़ा बात है। तो आप लोग एंजॉय लेते रहो इस वादियों का। दोस्तों फाइनली गुरुडुम्बा लेक में हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो हम दिखा रहे हैं, ये देख सकते हो आप बोर्ड में गुरुडुम्बा लेक का जो है डिवाइडर यहाँ से है, ये है डिवाइडर गुरुडुम्बा का। तो अभी बहुत ही यहाँ पे खराब रास्ता है, जिसके कारण हम लोग शायद ऊपर नहीं जा पाएंगे, फिर भी कोशिश 100% करेंगे, देखते हैं बाकी का। तो देख लो नजारा का मजा लो गुरुडुम्बार का। ये भाई साहब लोग मिले हैं, कहाँ से हो भैया? कोलकाता। कोलकाता से भी आ चुके हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारा भाई भैया लोग हैं। तो ऑक्सीजन के कमी के कारण एक भैया का थोड़ा सा हालत खराब है, यहाँ पे
ब्लैक साइड भी है जो ब्लैक साइड कोई नहीं दिखाता है। ऑक्सीजन का बहुत ही ज्यादा कमी है यहाँ पे। तो फाइनली वी आर इन गुरुडुम्बार, वर्ल्ड हाईएस्ट लेक। ताका है दिखे ये ओए चल ऊपर चल। दोस्तों मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मैं बाइक अपना वहाँ पे रख दिया और मैं पैदल गुरुडुम्बार तक जा रहा हूँ और सांस फूल रहा है। पानी किसी से उधार लिया था मैंने, बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी, फिर भी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो लेक तक पहुँचूँगा ही पहुँचूँगा, सिर्फ आपके लिए, आपको दिखाना है लेक। बस आ चुके हैं, यहाँ पाए छह आदमी, दोनों यहाँ पाए, कोई नहीं आ पाया, छह आदमी में से हम दोनों आ पाए हैं खाली। और बात तो बोल रहे हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो समझेंगे नहीं ना आप लोग। तो दोस्तों फाइनली हम लोग गुरुडुम्बार लेक में आ चुके हैं, ये हाथ में कोरपूर ऑक्सीजन सिलेंडर हर कुछ लेके पैदल आए इतना ऊपर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गुरुडुम्बार लेक। एज यू कैन सी दैट इज इंडियाज हाईएस्ट लेक। तो हेलो गाइस, हम लोग अभी गुरुडुम्बार से आ रहे हैं और बाहर इतना स्नोफॉल हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे गैदरिंग कर रहे हैं, बहुत सारा राइडिंग ग्रुप्स है यहाँ पे, तो देख सकते हो आप लोग। और मैं आते ही यहाँ पे गर्म पानी में अपना हाथ डाल दिया था कि हाथ बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ तक जाना होता है, उसके बाद मिलते हैं। हम लोग लाचेन से गुरुडुम्बार होके लाचेन होके यहाँ पे रुके थे नागा पे। ये रहा हम लोगों का रिसोर्ट जो देख रहे हो आप, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है ये, यहीं पे हम लोग रुके थे। ये रहा हम लोगों का बाइक और इस रिसोर्ट का जो मालिक है ये भैया है। अगर आप लोगों को कभी भी आना है यहाँ पे तो यहाँ का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, भैया से कॉन्टेक्ट करके आ जाना, यहाँ से ये सब व्यू मिलेगा आप लोगों को। रात को ऊपर से आप बेलकनी है, बेलकनी से आप लोग ये सारा व्यू देख पाओगे। तो कभी भी आना हो तो ये भैया के साथ आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना, देख लो भैया को अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत भैया है और बहुत ही अच्छा व्यवहार है भैया का। तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और गैंगटॉक में जाके मिलते हैं फिर आप लोगों से। बाय बाय। सुनो,